हेलो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत के क्लोज फ्रेंड गणेश इवारकर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाइस आप सबको पता होगा कि गणेश इवारकर और विभोर आनंद दो ऐसे ऐसे नाम हैं जो एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यू इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के जस्ट बाद जो है गणेश इवारकर सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए सामने जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद जो है उनके ऊपर काफी बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए कि वो जो है मिलियन रुपीज जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे उन्होंने कमाया। और वहीं विभोर आनंद की बात की जाए तो विभोर आनंद के ऊपर भी सेम इल्जाम लगाया, लेकिन विभोर आनंद ने मैक्सिमम टाइम जो है इल्जाम जो है गणेश इवारकर के ऊपर लगाया कि वो मिलियन डॉलर रुपीज जो है कमाया है, मीनिंग बिलियन डॉलर कमाया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। लेकिन अभी जो एक लिमिट होती है विभोर आनंद ने उसको क्रॉस कर दिया है, क्योंकि विभोर आनंद ने जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है गणेश इवारकर की, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी उसको कहीं से निकाल लिया है और उसको क्रेडिट कार्ड के डिटेल से लेकर डेबिट कार्ड के जितने भी डिटेल हैं वो जो है विभोर आनंद ने पब्लिक कर दिया है गणेश इवारकर का। साथ में ही गणेश इवारकर ने एक ट्वीट किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विभोर आनंद से वो गणेश इवारकर इतना ज्यादा परेशान हो चुका है कि पहले ही गणेश इवारकर ने काफी बार ये बोला कि अगर विभोर आनंद को आप लोग ब्लॉक नहीं करते हो, आप अनफॉलो करना स्टार्ट नहीं करते हो तो मैं जो है क्विट कर दूंगा सुशांत सिंह राजपूत के मोमेंट को। और फाइनली जो है अभी गणेश इवारकर ने ये ट्वीट कर दिया है कि वो जो है और आगे सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और इसमें जो है एक स्टेटमेंट मांगा गया है विभोर आनंद की तरफ से, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे विभोर आनंद ने जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जो गणेश इवारकर ने पैसे कमाए हैं उसका स्टेटमेंट मांगा है कि आप पिछले 6 महीने का ट्रांजैक्शन दो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि गणेश इवारकर ही क्यों अपना ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाएं, अगर ये बात तो फिर विभोर आनंद के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि विभोर आनंद के ऊपर भी बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं कि विभोर आनंद ने भी अपने न्यूज चैनल के नाम पे या सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे बहुत पैसे कमाए हैं, तो उनको भी अपना जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो भी सामने रखना चाहिए अगर गणेश इवारकर का आप ले आ रहे हो तो। नहीं तो हमें तो पैसों से कोई मतलब ही नहीं है कि कोई क्या क्या कमाया क्या नहीं, क्योंकि जो मेन है सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस, और जो पैसे की बात कर रहे हैं लोग एक दूसरे की तो उससे तो कोई फायदा, अगर पता भी चल जाएगा कि गणेश इवारकर ने पैसे कमाए या विभोर आनंद ने तो क्या उससे जस्टिस मिल जाएगा, उससे तो जस्टिस नहीं मिलेगा जहां तक मुझे लग रहा है। इसलिए इसके बावजूद भी ये लोग जो है इस पर जो है फाइट कर रहे हैं और कंटिन्यू इस चीज को एक मुद्दा बना दिया गया है, पूरी तरह से इसको एक मुद्दा बना के और एक दूसरे से ही फाइट करना स्टार्ट कर दिया गया है इसमें। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि गणेश इवारकर को भी इतना जल्दी क्विट नहीं करना चाहिए। अगर आप सही हो ठीक है, अब उसने ट्रांजैक्शन डिटेल मांगा तो आप मत दो ट्रांजैक्शन डिटेल, आप जो है सीधे सीधे मना कर दो कि आप ट्रांजैक्शन डिटेल नहीं दोगे, आपसे क्या मतलब है। और या हो सकता है कि गणेश इवारकर उनको इग्नोर करें, ब्लॉक कर दें, क्योंकि जिस हिसाब से विभोर आनंद टारगेट कर रहा है ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ गणेश इवारकर को टारगेट कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे जितने लोग जस्टिस के लिए सामने आ रहे हैं विभोर आनंद ने मैक्सिमम लोगों को टारगेट किया। और वहीं बात की जाए विभोर आनंद को तो विभोर आनंद को भी पूरी तरह गलत नहीं किया कहा जा सकता, क्योंकि सच में ऐसा भी है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे काफी लोगों ने मिलियन डॉलर रुपीज कमाए हैं, इसीलिए जो है विभोर आनंद के कई प्रूफ जो हैं वो पब्लिक के सामने आए और कई प्रूफ जो है सही भी हुए हैं, इसलिए आज भी विभोर आनंद के ऊपर लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, उसके नरेटिव पे अब भी ज्यादा लोग बिलीव करते हैं। लेकिन कई नरेटिव जैसे विभोर आनंद के सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, पहले सुशांत सिंह राजपूत का डार्क वेब पे वीडियो है और अभी सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, तो ये सारे जो नरेटिव जो विभोर आनंद के हैं वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग है, क्योंकि कभी विभोर आनंद कुछ बोलता है और कभी उसी के अपोजिट में बोलता है, तो उसको बहुत लोग समझ नहीं सकते, कह सकते हैं या तो विभोर आनंद की वो बातें गलत है। लेकिन रही बात गणेश इवारकर की, तो गणेश इवारकर की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है गणेश इवारकर को, सॉरी विभोर आनंद को, वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं करनी चाहिए। वो चाहे किसी की भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हो उसको पब्लिक करना उसके जान की खतरा हो सकता है। और ये बात जो है गणेश इवारकर ने बोली भी है, गणेश इवारकर ने सीधे सीधे पब्लिक के सामने आके बोला है कि जिस हिसाब से विभोर आनंद उसको टारगेट कर रहा है स्टार्टिंग से, एक दो दिन पहले एक ट्वीट भी किया गया गणेश इवारकर की तरफ से कि विभोर आनंद के टारगेट करने की वजह से उसके पिता जो है गणेश इवारकर जो फादर हैं उनको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक की वजह से विभोर आनंद का वो ऑडियो क्लिप देख रहे थे, ऑडियो क्लिप जो कि फेक था,
जो कि एमबीपी गणेश वारकर की तरफ से बोला जा रहा है कि वो ऑडियो क्लिप जो है फेक था, लेकिन उसको देखकर उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से पिछले 5 दिन से गणेश वारकर के जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन वहीं जब लोकेशन पूछने की बात आती है गणेश वारकर को, सॉरी विभोर आनंद ने इस पर भी सवाल उठाया कि गणेश वारकर का और जहाँ पे एडमिट किया है उसका लोकेशन दो, तो मेरी एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों किसी का आप लोकेशन पूछ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को जान का खतरा हो और वो हॉस्पिटल का नाम बता दे गणेश वारकर, या गणेश वारकर के पिता का जो अभी जहाँ पे इलाज चल रहा है उसके बारे में अगर कोई डिटेल दे देता है तो उस पर भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैं भी सुशांत सिंह राजपूत के जो क्लोज फ्रेंड है गणेश वर्कर, इसलिए अपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इस चीज पे कई बार सवाल उठाया जा चुका है प्रोड्यूसर विजय शेखर गुप्ता के द्वारा भी। विजय शेखर गुप्ता ने सीधे सीधे एक दो प्रोटेस्ट भी, बाय द वे, विजय शेखर गुप्ता ने एक किया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, लेकिन साथ में ही वो जो है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे एक मूवी भी बनाने वाले थे, और उसी इसीलिए वो जो है, ये ऐसा लोगों का कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं। अब वो करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि कई चीजों में उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए रोड प्रोटेस्ट किया है और इसमें जो है पब्लिक ने उनको सपोर्ट भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए, विजय शेखर गुप्ता ने सीधे सीधे लोकेशन पूछी है गणेश वारकर की। उन्होंने पूछा कि आखिर किस हॉस्पिटल में जो है तुम एडमिट कराए हो अंकल को, अगर तुम उस हॉस्पिटल का इन्फॉर्मेशन तुम पब्लिक करते हो तो मैं वहां पे आके देखना चाहूंगा। उनका सीधे सीधे सवाल उठाना है गणेश वारकर के ऊपर कि गणेश वारकर जितनी भी बातें बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक स्टंट होता है, पब्लिक की सहानुभूति गेन करने के लिए वो ऐसा करते हैं, और साथ में ही ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि विभोर आनंद ने एक सवाल उठाया, कई जो ऑडियो क्लिप थे जो कि पुलिस में अरेस्ट करने से लेकर कई चीजें ऐसी थी जो कि गणेश वारकर ने बोला था कि उनको जो है मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया था। बाद में पता चला कि उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, और ये खुद जो है ऐसे जो वीडियोस थे ये सारे, या जैसे महेश भट्ट का जो कॉल रिकॉर्डिंग वाला ऑडियो था, वो सारे के सारे जो है गणेश वारकर ने खुद ही डिलीट कर दिए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से अपने, वो सारे के सारे गणेश वारकर ने खुद ही डिलीट कर दिए। तो इन सब चीजों को देखकर एक सवाल जरूर गणेश वारकर के ऊपर उठता है, गणेश वारकर के ऊपर एक सवाल जरूर उठता है कि वो सहानुभूति ही गेन करने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन साथ में एक चीज और मैटर करती है कि हमें इस सब चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए कि कौन कितना पैसा कमा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे, या कौन कितना पैसा कमाया है, क्योंकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कुछ लोग जानबूझ के भी चाह रहे हैं कि आपस में ये लोग फाइट करें, अब चाहे वो विभोर आनंद हो या गणेश वारकर या कोई कोई भी हो सकता है जो ये जानबूझ के करवाना चाह रहा है कि ये लोग फाइट करें, जिससे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो जस्टिस का एक मोमेंट है वो बहुत स्लो हो जाएगा। और अगर वो एक बार स्लो हो गया, जैसा कि वैसे ही डिले हो चुका है, 7 से 8 महीना हो गया सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को, लेकिन आज तक अभी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिला है, तो ये एक मेन रीजन है कि अगर ये जो है सुशांत सिंह राजपूत के मोमेंट को ये लोग क्लोज कर पाए या तो इसको स्लो कर पाए, तो ये पीआर गैंग मेंबर जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसकी वजह से ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं और जानबूझ के इनको फाइट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाहे, हो सकता है विभोर आनंद मिल गया हो बॉलीवुड पीआर गैंग के साथ या जो भी है, लेकिन विभोर आनंद के कुछ नरेटिव ठीक हुए हैं, और विभोर आनंद अब इस पर भी दावा कर रहा है कि गणेश वारकर के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो हैं गणेश विभोर आनंद के पास में, जो कि वो पब्लिक में सामने लाएगा। तो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइज।